हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल स्मार्ट में। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। दोस्तों, ये वीवो का फ़ोन है। दोस्तों, इसमें प्रॉब्लम ये हो रही है कि ये वीवो, यहाँ पे देखिए आपको दिखा दें, यहाँ पे वीवो लिख के मतलब इसी पे अटका हुआ है, ये वीवो के लोगों पर अटका हुआ है। ये ना तो आगे जा रहा है ना कुछ भी हो रहा है, मतलब ऑन नहीं हो रहा। दोस्तों, इसी पर मतलब ये हमारा मोबाइल हैंग हो गया है। दोस्तों, यदि आपके मोबाइल में इस तरीके से प्रॉब्लम है तो आप उसे कैसे ठीक करोगे, मैं इस वीडियो में बताऊँगा। दोस्तों, वीवो का कोई भी फ़ोन हो आपका, यदि वीवो लोगों पर हैंग हो गया है तो आपको कैसे ठीक करना है, मैं इस वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, और वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। दोस्तों, तो ये देखिए बहुत टाइम से ये वीवो के लोगों पे हैंग हो गया है, मतलब इसी पे ये अटका हुआ है, ये आगे नहीं जा रहा है। दोस्तों, ये हमारा फ़ोन मतलब ओपन नहीं हो रहा है, तो ऐसे में आपको क्या करना है दोस्तों, इस वीडियो में बताऊँगा मैं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। तो यहाँ पर आपको मैं बता देता हूँ, यहाँ पे आपको पावर बटन को प्रेस करना है। तो चलिए पावर बटन को प्रेस करेंगे, उसके साथ हम जो है पावर बटन को प्रेस करते हैं, उसके बाद वॉल्यूम डाउन और आप तीनों के बटन को एक साथ प्रेस कर लेते हैं। दोस्तों, तो चलिए हम प्रेस करके आपको दिखाते हैं। यहाँ पे हम पावर बटन को प्रेस करेंगे और वॉल्यूम अप बटन, चलिए वॉल्यूम अप बटन को सबसे पहले प्रेस कर लेते हैं। और पावर बटन को थोड़ी देर तक इसे प्रेस करके रखेंगे, कुछ टाइम तक इसे प्रेस करके रखेंगे। मतलब इस तरीके से आपके मोबाइल में यदि प्रॉब्लम हो तो सबसे पहले आप अपने मोबाइल को स्विच ऑफ करके देख लीजिएगा, और नहीं तो आपको हार्ड रीसेट कर देना है दोस्तों अपने मोबाइल को। तो चलिए हमने ये पावर बटन को और वॉल्यूम अप बटन को एक साथ प्रेस किया, उसके बाद हमारा मोबाइल स्विच ऑफ होकर ऑन हुआ है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको क्या करना है। दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए फिर वीवो के लोगों पे ये मतलब अभी तो खड़ा है, अभी आगे हो रहा है या नहीं हो रहा है आपको मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, चलिए थोड़ा टाइम लगेगा यहाँ पे, तो ये हमारा जो है रिकवरी मोड में चला जाएगा। दोस्तों, तो चलिए हमने जो है वॉल्यूम अप बटन और जो है पावर बटन को एक साथ प्रेस किया, तो ये हमारा जो है रिकवरी मोड में चला गया है। अब यहाँ पर हम नीचे जाएँगे, वाइप डाटा दूसरे वाले ऑप्शन पर, वाइप डाटा पर हम जाएँगे। तो चलिए यहाँ दूसरे वाले ऑप्शन पे जाते हैं हम, वाइप डाटा पे। तो वाइप डाटा पे जाएंगे, उसके बाद जो है हम पावर बटन को प्रेस कर देंगे। दोस्तों, तो चलिए वाइप डाटा पे चलते हैं और यहाँ से पावर बटन को प्रेस कर देते हैं। प्रेस करने के बाद ये हमारा जो है वाइप डाटा, यानी मतलब हमारे मोबाइल का जो है ऑल डाटा रिमूव हो जाएगा, फ़ोटो, कॉन्टेक्ट नंबर और वीडियोज़, म्यूज़िक सब, मतलब जो भी हमारे मोबाइल में है सब डिलीट हो जाएगा और हमारा मोबाइल जो है ओपन हो जाएगा। दोस्तों, तो यहाँ पे थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा टाइम यहाँ पे वेट कर लेंगे। यदि आपका वीवो का कोई भी फ़ोन हो, यदि आपका जो है लोगो पे हैंग हो गया है, आगे नहीं जा रहा है, तो आप इस तरीके से वॉल्यूम अप बटन और पावर बटन को एक साथ प्रेस करोगे, उसके बाद ये आपका रिकवरी मोड में चला जाएगा। रिकवरी मोड में जाने के बाद आपको वाइप डाटा पर जाना है, वाइप डाटा पे जाने के बाद आपको पावर बटन को प्रेस कर देना है। थोड़ा समय लगेगा, थोड़े समय में आपके मोबाइल का जो है ऑल डाटा रिमूव हो जाएगा, ऑल डाटा डिलीट हो जाएगा और आपका फ़ोन ऑन हो जाएगा। तो हमने इतना प्रोसेस कर लिया, अब आगे देखते हैं हमारा फ़ोन ऑन होता है या नहीं होता है। तो ये देखिए वीवो के लोगों पर, ये देखिए अब हमारा फ़ोन भाई ये ऑन हो गया है। दोस्तों, ये हमारा फ़ोन ऑन हो गया है, सब कुछ हमारा काम करने लगा। तो दोस्तों, कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।